डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या पहले तथा प्रश्न संख्या 2 का हल सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रथम भाग जिसका कि हल इसी चैनल पर पहले दिया जा चुका है, उसको हम यहाँ पर हल करके नहीं दिखा रहे हैं। भाग दो जिसमें हमें 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है, तथा भाग तीन जिसमें हमें संख्याएं 867 और 255 दी गई हैं। दूसरे भाग में हमें संख्याएं 196 और 38,220 जो दी गई हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि 38,220 196 से बड़ी संख्या है, अतः हम 196 से 38,220 को विभाजित करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि r जो कि शेषफल होता है उसका मान शून्य या शून्य से बड़ा तथा b से छोटा होता है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर देखते हैं कि जब हम 196 से 38,220 को विभाजित करते हैं तो यह 195 बार इससे विभाजित होती है और हमें जो शेषफल है वह शून्य प्राप्त होता है। अब क्योंकि पहले चरण में ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है और बाकी पूरी प्रक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0, तथा इस चरण में हम देख रहे हैं कि भाजक b का जो मान है वह 196 है, अतः 38,220 और 196 का मासा 196 ही होगा, अतः HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। तीसरा भाग है 867 और 255, इसमें हम देख सकते हैं कि 867 255 से बड़ी संख्या है। पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, जिसमें कि r जीरो या जीरो से बड़ा तथा बी से छोटा होता है, का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार जब हम पहले चरण में 255 जो कि छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या 867 को विभाजित करते हैं तो तीन बार भाग जाता है और हमारे पास शेषफल 102 मिलता है, जिसको कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 867 बराबर 255 गुणा 3 धन 102। अब चूंकि शेषफल जिसको कि हम आर से निरूपित करते हैं वह हमें 102 प्राप्त हुआ है, जिसका कि मान शून्य के बराबर नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम 255 और 102 में करते हैं। और जब हम 102 से 255 को विभाजित करते हैं तो हमें दो भागफल प्राप्त होता है तथा 51 शेषफल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 255 बराबर 102 गुणा 2 धन 51। पुनः यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेषफल जिसको हम आर से निरूपित कर रहे हैं उसका मान हमें 51 प्राप्त हुआ है और अभी भी यह शून्य के बराबर नहीं है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पुनः 100 और 51 में हम करते हैं। और इस बार जब हम 51 से 102 को विभाजित करते हैं तो यह 2 हमें भागफल प्राप्त होता है और इस चरण में हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अर्थात 102 बराबर 51 गुणा 2 धन 0। अब क्योंकि इस चरण में हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो चुका है तथा इस चरण में भाजक b का मान जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 51 है, अतः संख्याओं 867 और 255 का मासा 51 होगा, अतः HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से a बराबर 6q प्लस r, जहां a शून्य या शून्य से बड़ी कोई संख्या होगी और r का मान जिसको कि हम शेषफल कहते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होगा। क्योंकि हम 6 से भाग दे रहे हैं, भाजक यहां पर 6 है, तो जो शेषफल का मान होगा
वह सदैव शून्य या शून्य से बड़ा किंतु छह से छोटा प्राप्त होगा। इसलिए a के जो संभावित मान हैं वह a बराबर 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 हमें प्राप्त होंगे। क्योंकि 6 एक सम संख्या है अतः 6q को हम 2 गुणा 3q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि 3q को हम कोई पूर्णांक k लेते हुए बराबर 2k के रूप में प्रदर्शित करें तो 2k सदैव एक सम संख्या होगी, क्योंकि 2 से यदि हम किसी भी संख्या को चाहे वह सम हो चाहे विषम हो से गुणा करेंगे तो हमें सदैव एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार 6q हमें एक सम संख्या ही सदैव प्राप्त होगी, और यदि 6q में हम विषम संख्याएं 1, 3 और 5 को जोड़ दें तो हमें 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त होंगी। अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे और चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज भोगना को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।